कि एक वक्त काल पै गया ते महाराजे ने शाही गोदाम खोल दिते। कहा कि ये हुक्म दिता जिन्ना कोई चुक के ले जा सकता लै जावे, जिन्ना अनाज किसी को चुकया जाता वह लै जावे। ते लोग पंडा भर भर के ले जान लगे। महाराजा भेस बदल के आप अपने राज भाग का जायजा लै रहे सी। एक गोदाम के सामने महाराजे ने वेख्या कि एक बिरध बापू है, उदे नाल छोटा बच्चा है उदा। ते उन्हें लालच नाल पंड जिहड़ी आ अनाज की भर ली है, ते चुकी उहदे को बिरध अवस्था जांदी नहीं। छोटा बालक वे नाल उह भी चक्कण दे समर्थ नहीं। महाराजा उहदी हालत वेख करके भेस बदलिया होया शेरे पंजाब जी ने, ते जा करके वह पंड कहन लगे बापू मैं तेरे घर छड आवां। कहन लगा भई जवाना फिर तो बड़ा ही उपकार होवेगा। ये शेरे पंजाब जी ने आप दे सिर ते वह पंड चक्की, ते वह बजुर्ग बापू बड़ी काली नाल चाई चाई अगे कि हुण बड़े सौखे दिन लग जाणगे, खुला ही अनाज आ गया। जदों आप दे घर पहुँचया शेरे पंजाब जी ने जदों वह पंड थले सटी है अनाज की, ते थोड़ी जी महाराजे की शाही पोशाक बजुर्ग दे जिहड़ी उह पल्ले दे हटने करके दिखाई दिती है। कहन लग्या भई तू जवाना कौन है? ते ते समय महाराजे ने कहा बापू जी मैनू रणजीत सिंह कहिंदे है, मैं अपनी प्रजा का कूकर हाँ। अपनी प्रजा का रियाया का अपने आप नू महाराजे ने कूकर दसिया। ते उह बजुर्ग जिहड़ा सी उहदा बराग नाल कंठ ही रुक गया, महाराजे का धन्नवाद भी ना कर सकिया। इन्ने चिर नू शेरे पंजाब जी उत्थों तुर पए। इहो जिहियां महाराजे दे जीवन दीआं बेअंत कहानियां।